आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, सबसे पहले तो मैं माफी मांगना चाहूंगा क्योंकि डेंग ज़ियाओपिंग का पार्ट वन पहले आ गया था और माओ ज़ेडुंग का पार्ट टू बाद में आया, तो कुछ टेक्निकल इशू था, थोड़ा टेक्निकल इशू की वजह से प्रॉब्लम हुई, लेकिन अब सारी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो चुकी है तो आप दोनों लेक्चर्स देख सकते हैं। तो इसके लिए वेरी वेरी सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस कॉज्ड। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। ये लास्ट पार्ट है, पार्ट टू है। मैंने बताया था कि आपको मैंने चाइनीज रेवोल्यूशन की पूरी सीरीज चलाई है जिसमें मैंने दो बायोग्राफीज कवर की है, एक माओ ज़ेडुंग की, उसके दोनों पार्ट अब अपलोड हो चुके हैं, और डेंग ज़ियाओपिंग ये दूसरे हैं, इसका आखिरी पार्ट है, पार्ट टू डेंग ज़ियाओपिंग, और ऑल ओवर ये पार्ट फोर्थ है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इस लेक्चर के रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो मेरे फेसबुक पेज से _education_connect पे आप पूछ सकते हैं, मैं आंसर करूंगा। किसी भी चीज को लेकर आप कोई भी क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं यहाँ पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, हमने बहुत सारी चीजें देखी थी इससे पहले। हमने उनका चाइल्डहुड देखा था, किस तरह से वो पावर में आए ये देखा था, उनके पॉलिटिकल स्ट्रगल देखा था, और उसके बाद उनका विजन कैसा था, एज अ रेवोल्यूशनरी वो कैसे थे, किस तरह से वो माओ ज़ेडुंग के साथ 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 लड़े। लेकिन फिर भी मैं आपको एक थोड़ा सा समरी बताना चाहूंगा। देखिए, 16 साल की उम्र में एज अ रेवोल्यूशनरी शामिल हुए थे डेंग ज़ियाओपिंग, उसके बाद केएमटी कोमिंटांग पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, इन दोनों के बीच सिविल वॉर हो गया। उसके बाद फिर जापान ने इन्वेड कर दिया 1937 में चाइना को, जिसकी वजह से इन दोनों पार्टियों ने हाथ मिला लिया। इस बीच डेंग ज़ियाओपिंग इफेक्टिवली लीड कर रहे थे मिलिट्री ट्रूप्स को, जो कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का था। फिर 1945 में वर्ल्ड वॉर एंड हुआ, 1949 ने ऑफिशियली रिपब्लिक ऑफ चाइना एस्टैब्लिश हो गया। चार साल तक भीषण दोनों पार्टियों में युद्ध चला, सिविल वॉर चला दोनों पार्टियों में, जिसको फाइनली कम्युनिस्ट पार्टी ने जीता। उसके बाद माओ ज़ेडुंग ने तियानमेन स्क्वायर पे लाल झंडा लहरा दिया, फाइनली रिपब्लिक ऑफ चाइना एस्टैब्लिश हो गया। चियांग काइशक जो कोमिंटांग पार्टी के लीडर थे, वो भाग गए ताइवान और उनके फेलोमेट्स, ठीक है, वहां से उन्होंने सरकार चलाई। वो खैर एक अलग स्टोरी है, अलग कहानी, उसमें अभी हम नहीं जाते हैं। ठीक है, तो ये कहानी थी। उसके बाद माओ ज़ेडुंग के अजीबोगरीब लैंड रिफॉर्म्स, कलेक्टिवाइजेशन, कल्चरल रेवोल्यूशन, जिसकी वजह से डेंग ज़ियाओपिंग को बार बार डिमोट किया गया, उनको सजाएं दी गई, उनको एग्जाइल में भी भेजा गया, और तीसरी बार जब 1976 में तीसरी बार उनको ओवरथ्रो किया गया। ठीक है, तीन बार उनको बाहर निकाला गया था पार्टी से, या फिर बहुत डिमोट मतलब बहुत ही नीची पोस्ट दी गई थी। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी। तो फाइनली अब क्या होता है, हमने इससे पहले 1969 तक देख लिया था, तो कल्चरल रेवोल्यूशन जो था वो खत्म होने को आया था। कल्चरल रेवोल्यूशन क्या था, रेड गार्ड्स छोटा सा ट्रूप था, माओ ज़ेडुंग ने बोला, छोटा सा मतलब अलग अलग ग्रुप डिवाइडेड थे। क्या होता था कि माओ ज़ेडुंग ने ये बोला था कि भैया, ये जो चाइना पे अभी रूल कर रहे हैं ये तो कैपिटलिस्ट हैं, हमारे कल्चर को तो ये बर्बाद कर देंगे। 1962 में माओ ने अपनी 61-62 में माओ ने अपनी पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। ठीक है, क्यों दे दिया था, क्योंकि उनके अजीबोगरीब रिफॉर्म्स की वजह से चाइना बर्बाद हो गया था, लोग मर रहे थे। लेकिन चाइना ने पलटवार किया कल्चरल रेवोल्यूशन स्टार्ट करके, उन्होंने बहुत ही चालाकी से फायदा उठाया इन सारी चीजों का और चाइना के कल्चर का, और ये बोला कि जो डेंग ज़ियाओपिंग और ली शाओची की जो भी रणनीतियां हैं ये सब बेकार हैं, ये वापस हमको उसी युग में ढकेल देंगी जहां हम पहले थे। तो इससे क्या हुआ कि लोगों का दिमाग खराब हुआ, छोटे 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 जो बच्चे कॉलेज में पढ़ने वाले यूथ, उन्होंने अपनी अपनी एक ट्रूप्स बनाई, रेड गार्ड, पूरे चाइना में ये फैली और लोगों को मारना शुरू कर दिया, जिसमें से ली शाओची की वाइफ और ली शाओची खुद भी एक थे। डेंग ज़ियाओपिंग के बेटे ने भी मंजिल से छलांग लगा ली थी ह्यूमिलिएशन के कारण, हालांकि डेंग ज़ियाओपिंग को एग्जाइल भेज दिया गया था। फिर चीजें खत्म होती हैं, ठीक है, माओ की फाइनली डेथ होती है 1976 में, माओ को पार्किंसन डिजीज हो जाता है। देखिए, एक चीज मैं और बताना चाहूंगा, चाइना में स्मोकिंग का कल्चर बहुत ज्यादा था। ठीक है, डेंग ज़ियाओपिंग भी काफी ज्यादा सिगरेट पीते थे और माओ भी काफी ज्यादा सिगरेट पीते थे, ठीक है, जिसकी वजह से माओ भी पार्किंसन डिजीज का शिकार हुए और डेंग ज़ियाओपिंग भी पार्किंसन डिजीज का शिकार हुए थे। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा कारण था माओ और डेंग ज़ियाओपिंग की डेथ का। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी। तो 1975 में डेंग ज़ियाओपिंग और मतलब पूरा का पूरा कल्चरल रेवोल्यूशन खत्म होता है और उसको रिवर्स कर दिया जाता है। ठीक है, माओ की जब डेथ होती है तो चाइना बहुत ही बुरी बर्बादी के कगार पे होता है, इतनी अच्छी इकोनॉमी उनकी चल नहीं होती है, चल नहीं रही होती है। अमेरिका ऑलरेडी चाइना को मतलब
क्या कहते हैं कि रिकॉग्नाइज करने से इनकार कर चुका होता है कि कौन चाइना, हम किसी चाइना को नहीं जानते। हालांकि रिचर्ड निक्सन भी इस बीच आते हैं, विजिट करते हैं, जो कि एक जबरदस्त चीज होती है 1972 में, ठीक है, किसी ने सोचा नहीं होता है ना। तो ये सारी चीजें थी। तो अब माओ की डेथ के बाद सत्ता किसके पास आती है? डेंग ज़ियाओपिंग। भैया ये जो थे, यहां से कहानी बदल जाती है। ये जो थे साइंस एंड टेक के दीवाने थे, इनको पता था, खुद भी इंजीनियरिंग, मतलब काफी कुछ इनका इंजीनियरिंग का ही काम था, ठीक है, ऑफिशियली इंजीनियर नहीं थे बट लगभग लगभग माइंडसेट उनका वैसा ही था। तो इनको ये बात पता थी कि ऐसा है, अगर ये चीज हमने नहीं की इस समय, अगर साइंस को और टेक्नोलॉजी को आगे नहीं बढ़ाया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। ये चीज चाइना ने आज से 20 साल पहले समझ ली थी और हम अभी तक नहीं समझ पाए हैं, ठीक है, ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। उन्होंने बोला मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को उठाओ, ठीक है, और जबरदस्त रिफॉर्म लाने शुरू कर दिए, रिफॉर्मेशन ऑफ चाइना शुरू कर दिया। जो चाइना बुरी तरह से बर्बाद हो चुका था उसका रिफॉर्मेशन शुरू कर दिया। इन्होंने इंटरनेशनल रिलेशन बढ़ाने शुरू कर दिए और बहुत ही उलट थी, माओ ज्यादा ट्रैवल नहीं करते थे, ठीक है, माओ बिल्कुल ही कंजर्वेटिव टाइप के थे कि हम खुद ही सब कुछ कर लेंगे। लेकिन इसके ठीक उलट डेंग ज़ियाओपिंग बहुत लिबरल थे। एलपीजी जो हमारे 1991 में आया उन्होंने तभी लॉन्च कर दिया था। उन्होंने कहा कि अब बहुत ज्यादा एक नीड है कि हम भी अपनी इकोनॉमी को ग्लोबलाइज करें। तो डेंग ज़ियाओपिंग ने अपनी इकोनॉमी खोल दी, भर भर के बाहर से इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स मंगवाए और काफी साइंस एंड टेक टेक्नोलॉजी मंगवाई और चाइना को आगे बढ़ाया। ये बहुत जबरदस्त चीज थी। जो भी लैंड रिफॉर्म्स थे, ठीक है, उन्होंने रिवर्स किए, कलेक्टिवाइजेशन या जो भी सरकार के अंदर था उन्होंने सारी चीजें रिवर्स की और काफी लिबरल पॉलिसीज बनाई जिससे अल्टीमेटली फायदा जनता को हुआ। देखिए ये तो होती है, अगर एक अच्छी गवर्नमेंट आती है तो अल्टीमेटली फायदा जनता को ही होता है। तो ये सारी चीजें थी। और सबसे बड़ी बात, जैसा कि मैंने बताया, इन्होंने इंटरनेशनल रिलेशन बहुत ज्यादा स्टोर किए सबसे पूरे वर्ल्ड से। यूनाइटेड स्टेट्स ने एक टाइम पे, तो जब माओ ज़ेडुंग पावर में आए थे और चाइना की स्थापना हुई थी, तो भैया सब लोग तो केएमटी को ही सपोर्ट कर रहे थे। कम्युनिज्म हमेशा से खिलाफ, अमेरिका हमेशा से कम्युनिज्म के खिलाफ रहा है। कोरियन वॉर 1950 से 52 तक जो हुआ था, 51-52, तो उसमें तो सीधा माओ ज़ेडुंग की ये पॉलिसी थी कि भैया रेजिस्ट यूएसए, है ना, और बढ़ चढ़ के स्लोगन दिए, लोगों ने अमेरिका का बहिष्कार किया। अमेरिका क्योंकि हमेशा से डेमोक्रेसी का पूरा फर्म सपोर्टर रहा है, तो उसको तो बिल्कुल ही इन्होंने मानने से ही मना कर दिया कि कोई चाइना एग्जिस्ट भी करता है। जब डेंग ज़ियाओपिंग आए तो उन्होंने रिकॉग्नाइज किया, ठीक है, फाइनली, और जबरदस्त रिलेशन बनाए, ठीक है। ये हम आगे भी इसकी बात करते रहेंगे। देखिए अब हम देखते हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म्स और रीबिल्डिंग। देखिए जैसा कि मैंने बताया कि डेंग ज़ियाओपिंग फाइनली, मैं आपको बताता हूं, 1975 में पूरा का पूरा रीऑर्गेनाइजेशन का फेज था, ठीक है, और 1977 में इनको पूरी फुल पोजीशन मिली एज अ लीडर, फुल पोजीशन इनको मिली, पूरी ताकत मिली। 1976 में इनको तीसरी बार ओवरथ्रो किया गया और 1977 में इनको फुल पोजीशन मिली, ठीक है। एक चीज जो हमेशा डेंग ज़ियाओपिंग विश्वास करते थे कि ऐसा है, कुछ भी नया हो उसको हम ट्राई करेंगे, अगर हुआ अच्छा निकला तो ठीक, नहीं तो फेंक देंगे। ये बहुत ही जबरदस्त, हमेशा रिस्क लेते थे डेंग ज़ियाओपिंग। तो रिस्क हमेशा लेते रहना चाहिए लेकिन बहुत ही कैलकुलेटेड रिस्क लेते थे, ऐसा नहीं कि हवा में तीर चला रहे हैं, ठीक है। कोई भी डिसीजन लेने से पहले डेंग ज़ियाओपिंग पूरा पूरा दिन सोचते थे। मार्क वॉलेस रिपोर्टर ने उनसे पूछा भी था कि आप कितने घंटे काम करते, उन्होंने कहा खाली 2 घंटे, तो चौंक गए। और जब उन्होंने बोला कि क्या वाकई आप 2 घंटे काम करते हैं, तो बहुत ज्यादा हंसे डेंग ज़ियाओपिंग। बाद में उनको यह पता चला कि बाकी के 22 घंटे वो सिर्फ सोचते थे। तो कोई भी डिसीजन लेने से पहले वो हर एक चीज, हर एक पर्सपेक्टिव, हर चीज पे वो नजर डालते थे कि क्या इसके इफेक्ट होंगे। तो बहुत ही जबरदस्त था, पूरा का पूरा बदल दिया था। डेंग ज़ियाओपिंग का मेन एम ये था कि इंडस्ट्रियलाइज करो। देखिए कम्युनिज्म में पूरा का पूरा सोशलिज्म था, ठीक है, वो बोलते थे कि सोशलिस्ट इकोनॉमी हो, हम इतना ज्यादा बाहर से हेल्प नहीं लेने वाले। डेंग ज़ियाओपिंग ने बोला नहीं, बाहर से ही हेल्प लेंगे, ठीक है, जिसके लिए इकोनॉमी खोली। जापान जो कि कट्टर दुश्मन था, वहां से इन्होंने भर भर के मशीन्स मंगवाई, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स मंगवाए, ठीक है, उनकी टेक्नोलॉजी उधार ली, यूएसए से बहुत अच्छे रिलेशन लिए। अब तो खैर ट्रेड वॉर की सिचुएशन आ गई है ना, जो प्रेजेंट कंडीशन है, डेफिसिट इतना ज्यादा बढ़ गया है। ट्रेड वॉर क्या होता है भैया, एक कंट्री अपने इंपोर्ट टैक्सेस बढ़ाती है, टैरिफ बढ़ाती है बेसिकली, दूसरी कंट्री भी बढ़ा देती है बदले की भावना से। हालांकि जो इसका एंड होता है, जो इसका एंड रिजल्ट होता है, वो हमेशा वॉर होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, अब तो खैर बिल्कुल ही एक अलग लेवल पे चला गया है, लेकिन उस समय बहुत चीजें डिफरेंट थी, ठीक है।
तो अमेरिका के साथ इन्होंने रिलेशन बहुत अच्छे बनाए। एक चीज और, डेंग ज़ियाओपिंग का जो स्वभाव था वो बहुत ही जबरदस्त था, ठीक है, एक मन मोह लेने वाला उनका चरित्र था, बच्चों से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। इवन जब वो अमेरिका गए थे पहली बार, तो एक बहुत बड़ा समारोह हुआ था, वहां पे खूब सारे बच्चे थे, उन्होंने परफॉर्म किया, पर्सनली जाकर डेंग ज़ियाओपिंग ने हर बच्चे को माथे पे किस किया, जिसकी जिस मतलब इस इंसिडेंट के बाद अमेरिका मीडिया ने बहुत ज्यादा तारीफ की थी, लेकिन यहां पे वहां पे बहुत बड़ी बात थी उस समय, ठीक है, क्योंकि एक बहुत ही अच्छा जेस्चर माना जाता है, ठीक है। टेबल पे जब बैठते थे, डिनर टेबल पे बैठते थे या लंच टेबल पे बैठते थे, तो बहुत ही अच्छे से चीज़ों को हैंडल करते थे, बहुत ही फ्रेंडली, किसी लीडर से मिल रहे हैं तो बहुत ही ज़्यादा गर्मजोशी से मिलते थे। देखिए अल्टीमेटली हर कोई ह्यूमन होता है, हर कोई इंसान होता है, और हर किसी को अच्छा जेस्चर पसंद आता है, ठीक है, हालांकि सब डिप्लोमेटिक रिलेशंस होते हैं, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, तो इससे भी लोग बड़ा ज़्यादा इंप्रेस थे। लेकिन ये उनकी स्ट्रैटेजी का हिस्सा था, उनको पता था कि अगर ये नहीं करेंगे चीज़ों को बहुत ही सुधारना है इस समय, ठीक है। सालों से जो दो 20-30 सालों से जो इकोनॉमी, चाइना की इकोनॉमी पीछे छूट गई थी, उसको पूरा समेट के आगे बढ़ाना है, ठीक है, तो ये सारी चीजें थी। तो फाइनली 1979 में क्या हुआ भैया, यूनाइटेड स्टेट्स ने पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को रिकॉग्नाइज किया और ताइवान को पीछे छोड़ गया, जो पहले बोलता था ताइवान को अकेला छोड़ दो अमेरिका, ठीक है, ये बोलता था अमेरिका, ठीक है, यहां पर उन्होंने ताइवान से नजरें हटा के चाइना की तरफ कर ली, ठीक है। ताइवान को चाइना हमेशा अपना ही पार्ट समझता है, कहता है यही मेरा है, ठीक है, इसी को वन चाइना पॉलिसी कहते हैं। चाइना एक तो पता नहीं इतना भूखा है एरियाज का और जमीनों का, कहता है साउथ चाइना सी मेरा है, ताइवान मेरा है, भारत मेरा है, पता नहीं क्या इनकी इतना कुछ है इनके पास भगवान की दया से, फिर भी ये सुधरते नहीं, ठीक है। तो चाइना हमेशा से बोलता है ताइवान मेरा है, यूएसएस का अपोज करता है, काफी और भी लोग अपोज करते हैं, ठीक है। लेकिन उस समय क्या हुआ कि उन्होंने ताइवान को बोला कि अभी हम इसमें फोकस नहीं करते, हम चाइना पे फोकस करेंगे, ठीक है। तो ये कुछ जादू था डेंग ज़ियाओपिंग का, ठीक है, तो ये सारी चीजें थी। और फाइनली भैया जो कम्युनिस्ट सिस्टम था, जिसकी वजह से फार्मर सबसे ज्यादा झेले थे, पूरी की पूरी तरह चरमरा गया था, उसको रिस्टोर कर लिया, ठीक है, मार्केट खोल दी। तो डायरेक्ट क्या करते थे वो, प्रोडक्ट्स को मार्केट में सेल कर सकते थे। माओ सेतंग के द्वारा क्या हुआ था, जब उन्होंने कलेक्टिवाइजेशन स्टार्ट किया था कि भैया देखो ये लैंड जो है ये हमारे अंदर है, प्राइवेट लैंड एबॉलिश कर देंगे और ये सब हमारे अंडर रहेगा, वो उन्होंने उसको काफी लिबरलाइज कर दिया कि अब जाके आप मार्केट में सेल करेंगे। इससे क्या होता था, माओ सेतंग ने क्या बोला था कि आपको कोटा दिया जाएगा, आपको इतने फूड ग्रेन तो उगाने ही उगाने हैं, जिसका हिस्सा डेंग ज़ियाओपिंग भी थे, ठीक है, आपको इतने फूड ग्रेन तो उगाने ही उगाने हैं। तो इससे भुखमरी की हालत आ गई थी, ठीक है, लेकिन यही डेंग ज़ियाओपिंग ने रिवर्स कर दिया, आप डायरेक्ट मार्केट में बेचिए। तो ये बहुत ही जबरदस्त था, ठीक है, बहुत बड़ा ये चीज थी उस समय तक। इंडस्ट्रियलाइजेशन का पूरा फोकस था, ठीक है। अब इन सब चीजों में क्या हुआ, जब रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन या रैपिड प्राइवेटाइजेशन अगर आता है, और अगर आपकी इकोनॉमी बहुत तेजी से बढ़ती है ना, तो आपकी पॉपुलेशन भी बढ़ती है, ठीक है, पॉपुलेशन भी, चाइना की पॉपुलेशन हमेशा से प्रॉब्लम रही है, ठीक है, बहुत बड़ा देश है, भारत की भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है पॉपुलेशन। चाइना ने वन चाइल्ड पॉलिसी स्टार्ट कर दी, ठीक है, वन चाइल्ड पर कपल पॉलिसी, हर एक कपल सिर्फ एक ही चाइल्ड उसका होगा, एक ही बच्चा पैदा करेगा, अगर दो हुए हम आपको कोई सरकारी सुविधा नहीं देंगे, आपकी नौकरियां नहीं लगेंगी, आप ये बात जान लीजिए, जितनी भी सुविधाएं आम इंसान को मिलती है वो आपको नहीं दी जाएंगी। हालांकि बाद में ये फेल भी हुई और इसका क्रिटिसिज्म भी काफी हुआ, ठीक है, लेकिन वन चाइल्ड पॉलिसी इन्होंने स्टार्ट की थी, जो कि बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव था डेंग ज़ियाओपिंग के द्वारा। तो इसमें क्या था कि 36% जो चाइना की पॉपुलेशन था, उनको बोला गया था कि आपको वन चाइल्ड रखना है, ठीक है, एक ही चाइल्ड रखना है, लेकिन बाद में 53% को यह बोल दिया गया था कि अगर पहली चाइल्ड गर्ल होती है तब आप दूसरा चाइल्ड के खिलाफ जा सकते हैं, ठीक है, बॉय के खिलाफ, मतलब बॉय के आप मतलब तब कर सकते हैं आप सेकंड चाइल्ड इन एक्सपेक्टेशन ऑफ अ बॉय। हालांकि इसका क्रिटिसिज्म भी काफी हुआ था, क्योंकि काफी जो बर्थ थे वो बहुत हो नहीं रहे थे, जो होने चाहिए थे, जिन बच्चों को पैदा होना चाहिए था वो हो नहीं रहे थे, और इसका काफी फर्क भी पड़ा था, ठीक है, तो ये सारी चीजें थी। लेकिन उसके बाद भी डेंग ज़ियाओपिंग रुके नहीं और धड़ाधड़ अपना पूरा का पूरा जो मूवमेंट था वो चलाते रहे। अब क्या होता है कि देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि माओ ज़ेडुंग और ट्रेडिशनल जो कम्युनिस्ट पार्टी थी वो ये बोल रही थी कि हमको सोशलिस्ट नेशन चाहिए, डेंग ने बोला सोशलिस्ट विथ मार्केट इकोनॉमी, ठीक है। तो क्या हुआ कि सेंट्रल का कंट्रोल आया पूरा का पूरा, ठीक है, बहुत ही अच्छा सा कंट्रोल आया। यहां पर डेंग ज़ियाओपिंग ने कुछ चीजें बताई,
उन्होंने तीन चीजों पर फोकस करने को बोला प्राइमरली। सबसे पहले उन्होंने यह बोला कि रेक्टिफाई करो, ठीक है। पहला चीज उन्होंने यह बोला कि सारी चीजें जो बिगड़ गई हैं उसको रेक्टिफाई करते हैं, उसको सुधारते हैं, ठीक है। सेकेंड ये बोला कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाना है हमको लोगों का, ठीक है। अब ये कैसे बढ़ेगा? इकोनॉमिक डेवलपमेंट लॉ, ठीक है। तो ये तीन इनके मेन फोकस थे, ये तीन उन्होंने आइडियाज पुट फोर्थ आगे रखे थे, ठीक है। ये सारी चीजें थी, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं डेंग ज़ियाओपिंग के दौरान चाइना और जापान के रिलेशन जो कि बहुत ही ब्रूटल थे एक टाइम पे, जापानियों ने तो पकड़ पकड़ के चाइनीज को मारा था, हालत खराब कर दी थी उस समय, वो बिल्कुल बदल गए, ठीक है। काफी चीजें उन्होंने वहां से इंपोर्ट भी की डेंग ज़ियाओपिंग ने, और जापान की हेल्प भी ली, ठीक है, चाइना की इंडस्ट्रीज को आगे बढ़ाने के लिए। भैया जापानी तो एक ऐसा देश है जो गजब का टेक्निकल देश है, वो तो अगर चाहे तो पता नहीं क्या क्या कर दे, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी, चार मॉडर्नाइजेशन टेक्निक इन्होंने लॉन्च किए थे, ठीक है, इकोनॉमिक एग्रीकल्चर, ठीक है, साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट और नेशनल डिफेंस, ठीक है। ये चीज इन्होंने, ये सारे इन्होंने मतलब मूवमेंट चलाए थे अपने। इसमें एग्रीकल्चर का स्पेशली उन्होंने बोला था, सबसे ज्यादा इसी पे ध्यान दिया था, काफी ओपन कर दी थी, लिबरल पॉलिसीज, कलेक्टिवाइजेशन को स्टॉप कर दिया था, और भैया साइंटिस्ट ने बहुत ज्यादा साथ दिया था। बीजिंग में 1978 में लगभग 6000 चाइनीज साइंटिस्ट इकट्ठा हुए थे इनको सपोर्ट करने के लिए, जब इन्होंने अनाउंस किया था भैया देखो साइंटिफिक टेम्परामेंट होना ही चाहिए, साइंस को हम सबसे ज्यादा आगे बढ़ाने वाले हैं। तो पूरे के पूरे चाइनीज साइंटिस्टों ने जो भी थे जबरदस्त तरीके से सपोर्ट किया और बोला कि हम चाइना को आगे बढ़ाएंगे। चाइनीज स्टूडेंट्स को इन्होंने बाहर भी भेजा, ठीक है, बाहर पढ़ने के लिए भेजा, वहां की सभ्यता समझने के लिए भेजा, वेस्टर्न कंट्रीज में खुद भी बाहर गए थे, फ्रांस गए थे, वहां पर इन्होंने पूरा का पूरा समझा चाइना को आगे बढ़ाने के लिए। तो ये सारी चीजें की, बहुत सारी चीजें हुई थी एक साथ। इन्होंने एजुकेशन रिफॉर्म्स भी लाए, ठीक है, इनका सबसे ये मानना था, सबसे ज्यादा ये मानना था कि ह्यूमन रिसोर्सेज को डेवलप करना बहुत जरूरी है, ठीक है, और बच्चों को पढ़ाना बहुत जरूरी है क्योंकि नेशन बच्चों से ही बनता है। तो पूरा का पूरा इन्होंने जो एंट्रेंस सिस्टम था, ठीक है, जो एग्जामिनेशन सिस्टम होता उसको ही बदल दिया, ठीक है, वो एक बहुत ही जबरदस्त तरीके से उन्होंने बदला, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी। लिबरलाइजेशन तो ये तो कर ही लिया, वॉशिंगटन कंसेंसस 1980 में आ ही चुका था तब तक तो, ठीक है। तो लिबरलाइजेशन के पाथ पे तो पूरी दुनिया ही चली गई, ठीक है, एक नॉर्थ कोरिया को छोड़ के, उसका तो अलग ही चलता रहता है। खैर, धीमे धीमे डेंग ज़ियाओपिंग ने सारी की सारी जो की पोजीशंस थी उसको हथियाना क्या उसको लेना स्टार्ट कर दिया। 1981 में उनको सेंट्रल मिलिट्री कमीशन का चेयरमैन चुन लिया गया, और भैया अभी जो पूरा का पूरा कंट्रोल है वो कम्युनिज्म, मतलब वो कम्युनिस्ट पार्टी के हाथ में ही है, और मिलिट्री का कंट्रोल भी उन्हीं के हाथ में है, अपने हिसाब से ये यूज करती है, ठीक है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना जो है वो अपने हिसाब से मिलिट्री को यूज करती है। देखिए, डेंग ज़ियाओपिंग की तारीफ तो बहुत हो गई लेकिन हर चीज उतनी सही चल नहीं रही थी। इन्होंने भी मास एग्जीक्यूशन किए। तियानमेन स्क्वायर बहुत ही फेमस इंसिडेंट है इसका, वर्ल्ड वाइड इनका क्रिटिसिज्म होता है। कब हुआ था तियानमेन स्क्वायर? एक ही क्वेश्चन पूछूंगा, जरूर आंसर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। छोटे छोटे बच्चे, कॉलेज के स्टूडेंट्स, वी वॉन्ट डेमोक्रेसी डेंग की पॉलिसीज के खिलाफ, और जो कम्युनिज्म में जो हत्याकांड हो रहे थे उसके खिलाफ आवाज उठाई, डेंग ज़ियाओपिंग ने डिस्कस किया अपने मिलिट्री ऑफिशियल के साथ और हर एक को मरवा दिया, ठीक है। तियानमेन स्क्वायर ये बहुत ही फेमस इंसिडेंट रहा है, ठीक है, और आप हिम्मत नहीं है इस समय कि कोई चाइना में तियानमेन स्क्वायर इंसिडेंट का नाम ले ले, ठीक है, क्योंकि वहां पर कम्युनिज्म है, भयंकर कम्युनिज्म है, कम्युनिज्म एक अलग ही लेवल पर चला गया है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, तो बहुत चीजें सही भी नहीं थी। डेंग ज़ियाओपिंग ने भी अपने फायदे के लिए काफी कुछ किया, काफी एग्जीक्यूशंस भी किए, ठीक है। तो ये आप देख ही सकते हैं आंकड़े, 60,000 लगभग चाइना में लोगों को मरवा दिया गया, आंकड़ा ज्यादा ही होगा, ये तो कम ही दिखा रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी, मंथली कोटा डेली कोटा सेट होते थे, ठीक है। तो ये सब इसके खिलाफ भी लोगों का काफी आक्रोश बढ़ा, ठीक है, अभी भी बहुत ज्यादा आक्रोश है। चाइना के हाथ पांव भैया ठंडे हो जाते हैं इन सब चीजों को देख के। अभी चाइना चुप कराने में इसलिए सफल है क्योंकि कहीं ना कहीं उनका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर काफी अच्छा है जिसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट है, वरना किसी दिन भी रिवोल्ट हो सकता है चाइना में भी, ये भी आप मान के चलिए, ठीक है। कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है जितनी दिख रही है, ठीक है, भले ही वो कितना बड़ा सुपर पावर बन जाए, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी। 1927 में
प्लेनरी सेशन जब होता है नेशनल पीपल कांग्रेस का चाइना जो वहां पे रहती है, ठीक है, उनको री इलेक्ट किया जाता है चेयरमैन ऑफ सेंट्रल मिलिट्री कमीशन, ठीक है, ये सारी चीजें थी। तो ये सब चीजें मैं ऑलरेडी आपको बता ही चुका हूं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो फिर इनके जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स है वो फर्दर कंटिन्यू रहते हैं। उन्होंने फिर वापस डेंग ज़ियाओपिंग ने चाइना की इकोनॉमिक पॉलिसी को रिवाइव करना शुरू किया। तो तीन स्टेप उन्होंने ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, तीन स्टेप लॉन्च किए थे। रेक्टिफाई, पहले पूरा का पूरा रेक्टिफाई करो, उसके बाद इकोनॉमिक डेवलप करो और हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाओ। जीएनपी को क्वाड्रपल करने का इनका प्लान था भैया, ठीक है। उन्होंने बोला था कि जीएनपी, जो कि इसी का ही एक तरह से स्वरूप है, ठीक है, जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी और जीएनपी में क्या फर्क होता है जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। और फॉर्मूला भी बता दीजिए भैया, तीन मेथड होते हैं ना जीडीपी को कैलकुलेट करने के लिए, है ना, तीन मेथड, वो भी बता दीजिए, बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी। तो क्वाड्रपल कर दो सबसे पहले तो जीएनपी को, ठीक है, 20 सेंचुरी मतलब एंड होते होते 2000 आते आते इसको चार गुना कर दो, एक से चार गुना कर दीजिए, ठीक है। और ये 1995 में ही अचीव कर लिया गया क्योंकि इकॉनमी पूरी तरह ओपन हो गई थी, फॉरेन ट्रेड को बहुत बढ़ाया, खुद घर में ही हर एक टैलेंट को पहचाना और उसको यूज किया, बहुत ही अच्छे से कैपिटलाइज किया, जिसकी वजह से शेड्यूल 2000 था, 2000 तक आपको ये सारी चीजें करनी है, जीएनपी को ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट को बढ़ाना है, ठीक है, और वो 5 साल पहले अचीव कर लिया गया, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी। अब देखिए क्या था कि अगर ये सारी चीजें बढ़ी, जीएनपी और जीडीपी आपको पता ही है कि इकोनॉमी पे सीधा सीधा इफेक्ट करती हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी तो पीपल को अल्टीमेटली वो इफेक्ट करेगा, क्यों, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो हम बहुत खुश रहेंगे, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, तो सीधा सीधा ये रिलेशन है, इसीलिए उन्होंने इतने दूर के विजन सोचे, ठीक है। सबसे पहली बात तो उन्होंने यही विजन देते हुए बोला कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम लोग बहुत ही आसानी से मॉडर्नाइज हो जाएंगे और चाइनीज पीपल भी बहुत ही अच्छे से रहेंगे। इसके बाद इन्होंने ये भी बोला था कि जिन जिन के पास घर नहीं है, क्योंकि डेंग ज़ियाओपिंग चाहते थे कि हर किसी के पास अपना घर हो, तो जिन जिन लोगों के पास घर नहीं है उनको भी हम घर प्रोवाइड करेंगे। और 1979 की ही बात है, ये अमेरिका भी गए, यूएस भी ट्रैवल किया, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, और बहुत ही गर्म जोशी से वहाँ पे उन्होंने सबसे मुलाकात की, बहुत ही अच्छा लगा सारे लोगों को जितने भी थे। पूरी की पूरी पॉलिसी बदल दी, फॉरेन ट्रेड पे बहुत फोकस था, इंडस्ट्रियलाइजेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस था, ठीक है, माओइस्ट पॉलिसी को पूरा बदल के रख दिया और सेल्फ रिलायंस पे पूरा बल दिया कि हम खुद इतने सक्षम हो जाएं कि कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। ये तो भाई बहुत ही बढ़िया बात है अगर आप देखें तो, ठीक है, मेड इन चाइना हर प्रोडक्ट को निकाल, नीचे देख लीजिए सबके प्रोडक्ट के नीचे जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम मेड इन चाइना लिखा ही होता है, ये उनकी बहुत बड़ी उपलब्धि है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी। मशीनरी जापान से खरीदी, वेस्ट से खरीदे, भर भर के हेल्प ली और अल्टीमेटली चाइना को डेवलप किया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी। अब क्या हुआ कि फाइनली उनके रिटायरमेंट का वक्त आता। देखिए ये पूरा का पूरा जो एरा चला है, ये फेज चला है, इस पर इन्होंने सारा बस यही पूरा का पूरा इकोनॉमी पे फोकस किया। तो 1991 में ये रिटायर हुए, ठीक है। जब इन्होंने रिटायरमेंट का प्रपोजल दिया तो किसी ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। उन्होंने बोला कि सर आप बिल्कुल रिटायर मत होजिए, अभी आप और बहुत अच्छे हैं। एक तो क्या था कि डेंग ज़ियाओपिंग की जो सोच थी ना वो बहुत ही यंग थी, ठीक है, भले ही वो 84 साल के थे, 80 साल के थे, लेकिन जो उनकी सोच थी वो 30 साल 35 साल वाली थी, ठीक है, बहुत ही यंग माइंड था। तो बोला कि अभी आप और चाइना की इकोनॉमी को आगे बढ़ा सकते हैं, इतनी जल्दी रिटायर मत होइए। लेकिन फाइनली उन्होंने ये डिसीजन लिया, ठीक है, और बहुत ही सही समय पे वो रिटायर भी हुए और बोला कि अब मेरे हिसाब से और लोगों को मौका मिलना चाहिए, ठीक है। डेंग ज़ियाओपिंग को चीफ आर्किटेक्ट ऑफ चाइना बोला जाता है उनके इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के लिए, ठीक है, फादर ऑफ मॉडर्न चाइना भी बोला जाता है, ठीक है, ये सब तो उपाधि हैं और बिल्कुल सही बोला जाता है। आज चाइना की जो पोजीशन है, जो उनका साइंस एंड टेक्नोलॉजी एकदम उफान पे है, ठीक है, छू भी नहीं सकता। चाइना कहता है भारत से हमारा कोई कंपटीशन नहीं, हमारा मेन राइवल यूएसए है, यूएसए से कंपटीशन, जो कि कहीं हद तक सच भी है, ठीक है, आप माने चाहे ना माने हम कहीं स्टैंड नहीं करते हैं चाइना के अगेंस्ट, ठीक है। उन्होंने चाइना ने अपनी साइंस एंड टेक को बहुत जल्दी पहचान लिया था। अगर हम आज जागे तब हमको अभी 10 साल लगेंगे पूरी चीज़ें सही करने में, अगर जागे तो, जो कि हम अभी तक जाग नहीं पाए हैं। चाइना का खुद का फेसबुक है, खुद का गूगल है, ठीक है, अलीबाबा, बाइडू, वो सब उनके खुद के ऐप है, वो भैया बाहर लोगों को एंट्री करने ही नहीं देता है, ठीक है। हम लोग जाग ही नहीं रहे हैं और इसकी कीमत हम चुकाएंगे, ज़रूर चुकाएंगे, आप देखेंगे बहुत जल्दी, क्योंकि हमारा कुछ बिल्कुल सब ठप है, ठीक है। तो ये चीज़ें हम लोग को करने की बहुत ज़रूरत है, वरना बहुत प्रॉब्लम होने वाली है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी।
देखिए, अगर किसी को बुरा लगा हो तो सॉरी, लेकिन ये सच बात है, ठीक है? सच्चाई से आप मुंह नहीं मोड़ सकते। आप देख ही रहे हैं, मैं क्या, आप खुद ही प्रत्यक्ष रूप से इसका एग्जाम्पल तो अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है? रेलवे का रिक्रूटमेंट आया था, 3 करोड़ लोगों ने भरा है, एक देश की जितनी पॉपुलेशन उतने तो यहाँ पे लोग कंपटीशन में बैठ रहे हैं, बहुत बुरे हालात है। तो ये चीज़ें हम लोग को करनी पड़ेंगी, ठीक है? चलिए, अच्छा, डेंग शियाओपिंग पे ही वापस आते हैं। ये इन्होंने चिल्ड्रन को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, बच्चों से बहुत प्यार करते थे डेंग शियाओपिंग। एक बार ये टूर पे गए थे चाइना पे, ठीक है, मतलब घूमते वैसे रहते थे, तो इनको एक बच्चा दिखा, ये उनके पास बहुत प्यारा था, वो उनके पास स्पेशली गया, उसको खूब प्यार किया, ठीक है, चले गए वापस, फिर दूसरे दिन वापस आए उस बच्चे को प्यार करने के लिए। तो ऐसा रिलेशन था। ये बोलते थे कि भैया एजुकेशन चिल्ड्रन से शुरू होती है, सॉकर स्पोर्ट्स चिल्ड्रन से शुरू होता है, कंप्यूटर लिटरेसी चिल्ड्रन से शुरू होती है, इनको बढ़ाओ, बच्चों को बढ़ाओ, खूब प्यार करो इन्हें। इनके जो ग्रैंड चिल्ड्रन थे, बहुत ही स्पेशल प्लेस थी, इनकी जान थे, ठीक है? और आख एंड ईयर्स में तो बहुत ज्यादा इनसे खेलते थे, ठीक है, मतलब डेंग शियाओपिंग उनसे खेलते थे, ठीक है? तो ये सारी चीजें थी, एकदम दिल में रहते थे, ठीक है? तो ये यही शो करता है कि कहीं ना कहीं खुद भी, मतलब इनका जो जो हार्ट था वो काफी सौम्य था, लेकिन कह नहीं सकते क्योंकि भैया जो इन्होंने तियानमेन स्क्वायर मैसाकर किया ना, और जो कोटा देते थे अपनी मिलिट्री को, भैया इतने लोगों को मारना ही मारना है, उसे कह भी नहीं सकते, कुछ भी हो सकता है। खैर, तो ये सारी चीजें थी। तो फाइनली, जैसा कि मैंने बताया था कि डेंग शियाओपिंग भैया बहुत स्मोक करते थे, हैवी स्मोकर थे, ठीक है, पार्किंसन डिजीज से इनकी भी डेथ हुई थी, ठीक है? और चाइना की जो इकोनॉमी थी, इन्होंने उसको तो काफी इन्होंने बढ़ाया था, स्टैंडर्ड भी लोगों का काफी इंक्रीज किया था। 19 फरवरी 1997 में 92 साल, काफी लंबा जिए थे भैया, लंग इन्फेक्शन हुआ, लंग इन्फेक्शन था इनको, और पार्किंसन डिजीज से उनकी डेथ हो गई, ठीक है? तो ये मेरे लेक्चर का एंड है। डेंग शियाओपिंग की फाइनली बायोग्राफी खत्म होती है, और चाइनीज रेवोल्यूशन को मैं यहीं तक ही सीमित रखूंगा, ठीक है? क्योंकि इसके बाद जो चाइना है आज, तो भैया जो जाय जिंगपिंग है वो तो अलग ही लेवल पे चले गए हैं, ठीक है? तो ये सारी चीजें थी, ठीक है? तो ये मेरे लेक्चर का एंड है। आशा करता हूँ आपको काफी पसंद आया होगा, पसंद आया तो जरूर शेयर कीजिए। अगला भैया जो लेक्चर होने वाला है ना, वो बहुत ही जबरदस्त होने वाला है, भारत के एक बहुत ही गजब के लीडर पे वो लेक्चर होने वाला है। इन्होंने इतिहास रच दिया, भारत को बना दिया, ठीक है? और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बनाने में, उसको खड़ा करने में इनका सबसे बड़ा हाथ है, ठीक है? ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि इनकी ज्यादा, जरा सी अगर तारीफ करूंगा तो आपको पता चल जाएगा ये कौन है। कमेंट बॉक्स में आप गेस करिए, ठीक है? बहुत एफिशिएंट लीडर थे ये, ठीक है? कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, लेकिन जो इन्होंने किया अतुलनीय है, ठीक है? मॉडर्न इंडिया को बनाने में इनका बहुत बड़ा हाथ है। कौन थे, और आजकल काफी न्यूज में भी रहते हैं ये, कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए, तब तक खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ, शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।